प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवन में दी। आज की सुबह में आपको मैं एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ, अल्फंसा थॉमस की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा इस बहन के जीवन में अद्भुत काम को किया। इन बहन को काफी समय से शुगर और थायराइड की बीमारी थी। प्रार्थना सुनने के दौरान परमेश्वर ने इन्हें शुगर की बीमारी और थायराइड की बीमारी से चंगा किया। उनका कहना है कि परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से इन बीमारी से चंगा किया। उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत काम करना चाहते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हों। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन है रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय और 17 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेरित पौलुस यहां पर विश्वास की बात करते हैं कि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। मेरे प्रिय, ये विश्वास की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब तक परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होगा, तब तक हमारे जीवनों में आशीषें नहीं होंगी, सफलताएं नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से आता है। तो यदि हमें अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो हमें चाहिए कि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर खुश हो। उसके लिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के वचन से, क्योंकि बाइबल कह रही है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। और जब विश्वास पैदा होता है, तो उस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे जीवन में सफलताएं होती हैं, आशीषें होती हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना अधिक हो सके आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें। दिन रात सुबह शाम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम यहोशू की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं इस बात को यहोशू से कहा, यहोशू 1:8 में, कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पर मनन करना है, उस पर ध्यान करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो कोई काम करेगा उसमें परमेश्वर तुझे सफलता देगा और तू इस दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। तो यदि मेरे प्रियो, आप चाहते हैं अपने जीवन में सफलता को पाना, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो जाएं, आप प्रभावशाली व्यक्ति बने, तो मैं आपको इनक्रेज करना चाहूंगा कि आप रोज सुबह उठें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, रोज शाम को सोने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जितना अधिक हो सके आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, तो सफलताएं आपके पास हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके मन में विश्वास उत्पन्न होगा। और जब विश्वास उत्पन्न होगा, तो उस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, आशीषें आएंगी और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर जीवित प्रभु की ओर लगाएं, उससे अपने मनों की बात कहें, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे यीशु, मेरे अब्बा, ओ प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, अपने आप को शून्य करके, अपने आप को छोटा करके, अपने हृदयों को खाली करके प्रभु यीशु तेरे समीप आते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु, तेरे लहू में पिता उन्हें ढांपते हैं
पिता, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक रुकावट, हर एक शैतान के बंधनों को हम यीशु के नाम से कैंसल आउट करते लॉर्ड। प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी हम आप में प्रार्थना कर सके। ओ हालेलुया प्रभु जी, अभी आप अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु, एक ही जगह में, एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले प्रभु हैं। आइए हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की तारीफ करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को परमेश्वर से कह दीजिए। आप जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कह दीजिए, वो सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। वी लिफ्ट अप योर नेम प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते। धन्यवाद यीशु, हम घटे तू बड़े, हम घटे तू बड़े प्रभु। ओ प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी तारीफ हो। मेरे यीशु सच में तू कितना भला है प्रभु, कितना भला है। रात भर में मीठी अच्छी नींद देकर आज का नया दिन प्रभु हमने तेरे साथ में देखा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जिन्होंने रात में अपनी आंखों को बंद तो किया प्रभु, परंतु सुबह में उन आंखों को ना खोला। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, और तुझे हम धन्यवाद करते प्रभु। आज के प्रभु इस पूरे दिन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते लॉर्ड। आपकी उपस्थिति, आपकी योजनाएं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज के दिन में आप हम सबको भर दीजिए परमेश्वर। मेरे खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू कितना पवित्र, कितना प्रेमी, कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपना बेटी, बेटा और बेटी बनाया लॉर्ड। हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु। सच में प्रभु जिस प्रकार हमने तेरे वचन को सुना प्रभु जी, कि सच में मेरे पिता परमेश्वर बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनुहोना है। ओ लॉर्ड फादर, हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते लॉर्ड जीसस। ये भाई ये बहन तुझ पर विश्वास करते प्रभु, और विश्वास के द्वारा ही मेरे पिता तुझे प्रसन्न किया जा सकता है प्रभु। कि हम जब तेरे नाम पर विश्वास करें, इस बात पर विश्वास करें कि तू हमारे लिए आया, इस बात पर विश्वास करें कि तूने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, इस बात पर विश्वास करें कि यीशु ने हमें अनंत जीवन दिया, इस बात पर हम विश्वास करें कि सच में तू हमारे जीवन को सफल करने वाला परमेश्वर है, हमारे संग संग चलने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारा सहायक है। ओ लॉर्ड, सच में विश्वास के द्वारा ही तुझे प्रसन्न किया जा सकता है लॉर्ड। आज की सुबह में होने दे प्रभु, ये भाई ये बहन अपने जीवन से तुझे विश्वास देने वाले हो सकते, आप इनके जीवनों में विश्वास में प्रभु इन्हें मजबूत करे लॉर्ड प्रभु, ताकि ये तुझे अपने जीवनों में प्रसन्न करने वाले हो सके। ओ प्रभु जी, सच में प्रभु तू विश्वास का दाता है लॉर्ड प्रभु। आज वो विश्वास तेरे वचन से प्रभु जो हम सुनते हैं, जिसे हम सीखते हैं लॉर्ड, उससे हमारे जीवन में विश्वास और मजबूत होता है और हम विश्वास में बढ़ते हैं। इस भाई इस बहन को प्रभु तू अपने विश्वास में बढ़ा प्रभु, ताकि जब ये तेरे वचन पर मनन करें, तेरे वचन को पढ़ें और उसे सुने प्रभु जी, इनका विश्वास बढ़ने पाए। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, मेरे प्रभु ये तेरे वचन को सुनने वाले हो सके, आप इन्हें सुनने वाले कान दे, तेरे वचन को ग्रहण करने वाला हृदय दे। ओ प्रभु सच में तेरा धन्यवाद, जब हम तेरे वचन पर मनन करते लॉर्ड, तेरे वचन के अनुसार चलते लॉर्ड प्रभु, तब आप हमारे जीवन को सफल करते हैं, हमारे हर एक कामों को सफल करते हैं, हमें प्रभावशाली बनाते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु ये तेरे वचन पर विश्वास करने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ये दिन रात तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, क्योंकि तेरा वचन ही हमारे लिए मार्गदर्शन है। तेरा वचन प्रभु हमें हर एक मार्ग में, सही मार्ग में चलना सिखाता है, तेरा वचन हमारी अगुवाई करता लॉर्ड, और तेरा वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन सफल होता है। इसी प्रकार प्रभु इस भाई इस बहन का जीवन तू सफल कर, ये तेरे वचन पर मनन करने वाले, तेरे वचन की अगुवाई में चलने वाले और उस पर दिन रात मनन करने वाले हो सके। मेरे प्रभु तेरा वचन इन्हें हर एक मार्ग में अगुवाई करे। धन्यवाद करते परमेश्वर, मेरे प्रभु आप इनके जीवन में प्रभु इन्हें सफल करे, क्योंकि तुझ पर विश्वास करते प्रभु। इनके हाथों के कामों को सफल करे, इनके बिजनेस को सफल करे, इनके जॉब, ये जॉब के लिए जब ये जाते इनके जॉब
जॉब में इन्हें सफलता दे प्रभु जी। ओ हालेलुया, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक काम में जो ये करते हैं, जिन हाथों से प्रभु ये काम करते हैं, आप उसे सफल करें। यदि प्रभु ये जॉब करते हैं, यदि इनका बिजनेस है, यदि ये किसानी करते हैं, खेती करते हैं, प्रभु हर एक काम में आप इन्हें सफलता दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार में, प्रभु यदि असफलताएं बनी है, प्रभु यदि बहुत सारे असफलताओं को इन्होंने अपने जीवन में देखा है, फेलियर को अपने जीवन में देखा है, प्रार्थना करते लॉर्ड आज से प्रभु ये आप इनके जीवन को सफल करें, इनके जीवन के हर एक मार्ग में इन्हें सफल करें। मेरे पिता यदि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्होंने दिए परंतु सफलता नहीं मिली, परमेश्वर आप इनको सफल करें परमेश्वर, ताकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो लोग चिंताओं में है, परेशानियों में, आजकल समस्याओं में है प्रभु, आर्थिक तंगियों में है, प्रार्थना है प्रभु अपने महिमा में धन से आप इनकी हर एक घटी कमियों को पूरी करें, और प्रभु ये विश्वास करने पाए कि तू ही इनका आधार है, तू ही इनका उपाय करने वाला यहोवा यीरे है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी जो बीमार है पिता, आज की सुबह में यीशु के नाम से प्रभु उनकी हर एक बीमारी को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक थायराइड की, बीपी की, स्टोन की बीमारी, एलर्जी, हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी यदि इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी प्रभु, ये किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु नासरी के नाम से पिता अपने चंगाई भरे हाथ को ऊपर इनके ऊपर रखें और इन्हें चंगा करें, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं, हर एक बीमारी से चंगे हो जाएं, इनका शरीर चंगा हो जाए। मेरे प्रभु यदि ये दर्द में है प्रभु, इन्हें यदि बुखार है, यदि प्रभु सांस लेने में दिक्कत है, यदि प्रभु दर्द पेट में दर्द है, हाथ में, पैरों में, घुटनों में, कमर में, हड्डियों में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं लॉर्ड। सर से लेकर पैरों तक आप इनके दर्द को चंगा करें, आप इनके दर्द से इन्हें छुटकारा दें, इनके बॉडी को आप चंगा करें। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दर्द से इन्हें चंगा कर दिया, क्योंकि तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यदि इनके ऊपर कर्जा है, यीशु के नाम से वो कर्जे दूर होने पाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को जो तेरे व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात मनन करते हैं, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सफल करते हैं, आप उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती जो भाई बहन पिता परमेश्वर कई समय से प्रभु जी रिश्ते के लिए परेशान है, शादी के लिए परेशान है मेरे पिता, होने दे परमेश्वर उनका रिश्ता पक्का होने में आप उनकी मदद करें, और उनकी शादी होने में मदद करें प्रभु जी, जो रुकावटें आती यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हो जाए मेरे पिता। जो भाई बहन प्रभु अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज की सुबह में प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु संतान की आशीषों से तृप्त करें प्रभु, उनके घरों में भी इस बच्चे की आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। जो बहनें कंसीव नहीं कर पाती, यीशु के नाम से वो कंसीव करने लगे। इस समय जो बहनें सुन रही हैं पिता, यदि उनकी डिलीवरी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद करें। यदि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, यीशु के नाम से वो कॉम्प्लिकेशन दूर करते हैं पिता मेरे पिता। नॉर्मल आप डिलीवरी होने में मदद करें, इन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें प्रभु स्किन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये घरों से बाहर निकालते हैं मेरे प्रभु, हर एक वायरस से, हर एक महामारी और बीमारियों से आप इन्हें बचाएं, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें बचाएं, आपके लहू में इन भाई बहनों को, इनके परिवार को ढांप दे पिता परमेश्वर। कोई भी विपत्ति इन पर ना पड़े और कोई भी दुख इनके डेरे के निकट ना आए, आने जाने में प्रभु आप इनकी रक्षा हिफाजत करें, सुरक्षित आप घर से बाहर ले जाएं, सुरक्षित घर के अंदर लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, यदि इनके जानने वाले हॉस्पिटल में बीमार हैं यीशु मसीह, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। यदि वो हॉस्पिटल में प्रभु, आप हॉस्पिटलों में प्रभु जी उन्हें चंगाई दे, उनकी हर एक बीमारी से छुड़ा कर आप उन्हें चंगा करें, उनके शरीरों को चंगा करें और सुरक्षित उन्हें घर वापस लेकर आइए प्रभु। धन्यवाद करते लॉर्ड, हम प्रार्थना करते जो लोग प्रभु लॉकडाउन में फंसे प्रभु, अपने प्रभु घरों से दूर है प्रभु, उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचने में मदद करें, कोई भी वायरस उन्हें छूने ना पाए, तेरे प्रोटेक्शन में उन्हें रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, प्रभु इस पूरे देश से इस कोरोना वायरस को नष्ट करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने वायरस को नष्ट कर दिया, आजकल जो टिड्डियों का अटैक है यीशु के
के नाम से उन टिड्डियों को भी आप नष्ट करें पिता, जो फसलों को खराब कर रही है, अनाज को खा रही है। यीशु के नाम से प्रभु जी उन सारी टिड्डियों को हम नष्ट करते पिता। इस विपत्ति को प्रभु तू इस संसार से टाल दे प्रभु जी। धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु कि इस पूरे संसार में प्रभु तेरी शांति तेरी दया हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते प्रभु। दुआ है प्रभु इन भाई बहनों को इनके जीवन में आप सफल करें, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके, तेरे वचन पर दिन रात मनन करने वाले हो सके, क्योंकि तेरा वचन ही इनके लिए मार्गदर्शन है, तेरा वचन ही इन्हें सही डिसीजन लेने में सहायता करता है, तेरा वचन ही इन्हें सफल करता है, तेरा वचन ही इन्हें प्रभावशाली बनाता है। हाँ प्रभु ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे नाम पर विश्वास करते हैं लॉर्ड। प्रभु ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप उनके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।